हेलो, गुड मॉर्निंग। 9 टाइम हो रहा है सुबह का। ब्रेकफास्ट कर लिए हूँ। मैं जा रहे हैं साउथ गोवा। ऐसे तो साउथ गोवा का प्लानिंग नहीं था, इसलिए हम लोग नॉर्थ गोवा में स्टे किए हैं। बट अचानक से प्लान हुआ। साउथ गोवा इज द परफेक्ट प्लेस फॉर ए चिल्ड आउट हॉलीडे इन इंडियाज सनशाइन स्टेट, डिफाइंड बाई इट्स अनक्राउडेड बीचेस एंड लेड बैक वाइब। कलिंगवेट बीच से साउथ गोवा के कोल्फा बीच का डिस्टेंस है अराउंड 50 किलोमीटर। ये थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टेंस है, तो कोई अगर मिनिमम 2 डेज साउथ गोवा पूरा कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए साउथ गोवा में ही स्टे करना बेटर ऑप्शन रहेगा। मेरा कोल्फा बीच दिख रहा है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, मास्क इधर नहीं खोल सकते। पुलिस इस साइड एकदम सामने एंट्री गेट पे खड़े हैं। कोई भी उधर मास्क खींच रहा है तो उसको पकड़ रहा है, तो मास्क एकदम नहीं खोल रहा है। बीच में हूँ, आसपास लोग नहीं हैं इसलिए मास्क में खोल लिए हूँ। नहीं तो मास्क पहनना इधर बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। मैं कोई भी बीच में ऐसे पुलिस को पकड़ते हुए नहीं देखी थी। तो साउथ गोवा में मैं फर्स्ट टाइम ये बीच को कवर कर रही हूँ। डिफरेंस यही है नॉर्थ गोवा साउथ गोवा का कि क्राउड बहुत कम दिख रहा है मुझे, और ये थोड़ा लेंगी भी है बीच। पूरा ओवरऑल देखा जाए तो एकदम लास्ट कॉर्नर, इधर का लास्ट कॉर्नर मुझे दिख नहीं रहा है, तो एरिया ज़्यादा है और साफ भी है बीच। Stands as a place with a huge fan following. It's a top beach in South Goa. Kolva has a white sandy beach that is lined with palm trees. Kolva is clean as there are fewer tourists here than many other beaches in Goa. Full moon parties are held on or before full moon night. बीच से अभी मैं आई हूँ पैलोलेम बीच में। ऑलमोस्ट 1 hour 10 minutes लाइक इतना टाइम का जर्नी करना पड़ा। आप सोच रहे हैं कि पीछे बोट है तो थोड़ा बोटिंग कर लेते हैं, बोटिंग करके कुछ आइलैंड वगैरह है ये सब घूम लेते हैं, उसके बाद लंच कर लेंगे। This beach is the most favorite South Goa places to visit as it offers solace and quietness along with activities like sunbathing and swimming, making it a popular destination. बोट के चार्जेस जो है वो सीजन वाइज वेरी करते हैं। हम लोग जैसे 6 लोग एक बोट में गए थे और इसका प्राइस अराउंड 4000 रुपीज़ लगा था।
जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था हम सब में। हमेशा थोड़ा सा बर्गरिंग कर लीजिएगा। इस बोट राइड में टोटल 4 प्लेस कवर होते हैं। फर्स्ट हम देखे डॉल्फिन्स, उसके बाद मंकी आइलैंड, हनीमून बीच एंड लास्ट में गए बटरफ्लाई बीच। और बटरफ्लाई बीच में अराउंड 30 मिनट हम टाइम स्पेंड किए। ओवरऑल इट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस, यू मस्ट ट्राई दिस। Butterfly Beach is a small but beautiful beach with deep water, golden sand and bounded on all sides by high rock. So, it is unapproachable by usual transportation from land. The only way to get there is by boat or a trek through rough terrain.